टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत कीमती, और आज के टाइम पे समय के ही पैसे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, जब ना सच बता रहा हूं, जब आपके पास समय की कमी होती है ना, तो आप किसी भी चीज के डबल पैसे देके भी उसको खरीदोगे। तो इसलिए आज के टाइम पे ना पैसों की वैल्यू नहीं है, आज के टाइम पे टाइम की वैल्यू है। कोई भी चीज बिक रही है वो टाइम के हिसाब से बिक रही है। टाइम, टाइम चाहे तो किसी को नीचे गिरा सकता है, टाइम चाहे तो किसी को ऊपर उठा सकता है। 2020 में ऐसा टाइम आ गया था जो इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में जो अपने आप को शेर समझते थे, धक्के खाए हैं उन्होंने। सब जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। एजुकेशन इंडस्ट्री में शेर समझते थे, 2020 ने उनको जमीन दिखा दी। ऑनलाइन तब बूम पे आया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2020 में इन्होंने इतना पैसा कमाया जो ऑफलाइन वाले जमीन पर आके गिरे। एक बड़ा इंस्टीट्यूट तो बेच दिया गया, आपको पता है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो नीट की तैयारी करवाता था, फिजिकल क्लासेस, 2020 के कोरोना काल में उसने अपने आप को बेच दिया एक ऑनलाइन क्लास वाले को। जानते हो ना तुम, एक ऑफलाइन क्लास बिकी है एक ऑनलाइन क्लास के। अब आप देखो, क्या कभी किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा एम्पायर जिसका हो वो खुद बिक जाएगा किसी दिन? बेच दिया उसने अपने आप को। सो आज कीमत किस चीज की है? टाइम। ये किसी को राजा बना सकता है, किसी को रंक बना सकता है। ये ऐसी चीज है जो वैल्यू बढ़ाती है और वैल्यू गिराती है, यही है जो वैल्यू बनाती है। आज कोई कहे कि किसी चीज की कीमत क्या है, किसी भी चीज की कीमत रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। आज अगर मैं तांबे की चीज खरीद के लेके आया हूं तो उसका कारण क्या होगा? क्योंकि ये इसकी लोगों ने बात की, रिक्वायरमेंट है, तो लोग आज इसको खरीद रहे हैं और इसके दाम भी उतने ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है? तो किसी की कीमत गिरती और उठती क्यों है? टाइम के हिसाब से। कीमत तय कौन करता है? समय जो कीमत तय करता है। और आज के टाइम पे टाइम की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं है। और टाइम को, अगर आपने टाइम को समझ लिया और टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज किया तो आप पैसा कमा सकते हो।